भैया जी चाय? नहीं रहने दे, मन नहीं है। पी लीजिए भैया जी, आप सुबह से कुछ खाए भी नहीं है। किसे फर्क पड़ता है रे? बाबूजी का पड़ता है, अम्मा जी का पड़ता है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है रे। अच्छा छोटू, तेरे को कभी कोई अच्छी लगी रही? एक थी गांव में भैया जी, घर से निकले ना गांव के लंबा सा गांव फिलहाल एकदम। अच्छा तेरे को कैसी लगी रही? अब अच्छी लगने से कहा भैया जी, जो माँ बाबू जी बोले उसी से ब्याह हुआ। वो गांव पर, हम खाना बनाने बेंगलोर में, पर यही हमारी जिंदगी है, पर हम खुश हैं। तो ये है साधु चौबे, हमारे इस पिक्चर के हीरो। परेशान है आजकल, प्यार में पड़ गए हैं, समझे नहीं समझे, हम समझाते हैं। साधु चौबे, इंजीनियर साधु चौबे, भागलपुर यूनिवर्सिटी बिहार से प्रथम श्रेणी, बोले तो टॉपर। मेरिट लिस्ट में पहला नाम था इनका। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी हुई और फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी से सीधे बेंगलोर। ये है शंकर, इनके कॉलेज का दोस्त, जो बेंगलोर में पहले से काम कर रहा था। इन्हें रेलवे स्टेशन से लेके घर आया। लेकिन कुछ भी कहिए शंकर बाबू, बड़ा हाई फाई शहर है। प्रणाम भैया। ये है छोटू, खाना बनाते हैं हमारे लिए। प्रणाम प्रणाम। अरे काहे का छोटू, इतना लंबा है हमसे। रहने दे, आजा अंदर, तेरा भी घर है। देख ये रहा तेरा कमरा, रेंट आधा देना होगा, समझा? कॉलेज वाला हिसाब नहीं चलेगा। और फिर नौकरी का पहला दिन, दही चीनी तिलक और हुआ सफर शुरू। पर भागलपुर से बेंगलोर का सफर कोई बहुत आसान नहीं रहा इनके लिए। हे भगवान, कब हुआ? कब बताएं? आज गए घूमने शॉपिंग मॉल। बाप रे बाप। अरे साधु, तुम बेंगलोर में हो यार, मॉडर्न शहर है, यही फैशन है, तुम भी एडजस्ट करना शुरू कर दो। अरे काहे का फैशन भाई, अब हम कपड़ा उघार के बाहर निकले तो फैशन हो गया, इतना कमाने के बाद भी नंगा घूमे हैं? ऐसे ही लड़की सब। हे भगवान। अरे शंकर सुन ना रे। बोल। हम लोग के घर के सामने जो रहती है बहुत अच्छी लगती है यार हमें। अम्मा बाबूजी को फोन कर देता हूँ, शादी की बात चलाऊं। और हो गया हमारे साधु चौबे को प्यार। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, जाने मन गुल बदन। पर उनके इस एक तरफा प्यार की दुश्मन दुनिया होने लगी थी। अरे मैं शादी नहीं कर रहा है बाबूजी। अभी नहीं करेगा तो बुड्ढा होने के बाद करेगा क्या? 35,000 कमा रहा है, शादी का उम्र हो गया है दादू। नहीं बाबूजी, अभी रुक जाइए। रुकना उना कुछ नहीं, सरपंच के यहाँ से रिश्ता आया है, लड़की ठीक ठाक है, बस एक बार से लंगड़ाती है। लंगड़ी? नहीं बाबूजी, लंगड़ी से ब्याह नहीं करेंगे हम। कहे नहीं करोगे? 5,00,000 दे रहे सरपंच साहब, वो भी नगद, हम कुछ नहीं जानते, गाँव पर। और बस साधु रहने लगे कुछ परेशान से, कुछ अकेले अकेले से।
भैया जी चाय। भैया जी जरा देख लीजिएगा, हम सब्जी चला रहे हैं। बाबू जी आप यहाँ? अब तुम आ नहीं रहा था तो हमको ही आना पड़ा। अब अंदर आ जाएगा कि नहीं? छोटू पानी लेकर आओ, हमें बाबू जी आए हैं। छोटू कौन? यहाँ खाना बनाता है शंकर और हमारे लिए। शंकर कहाँ है? वो ऑफिस गया है। तुम? नहीं बस जाने ही वाले थे। आपकी सूजी हुई क्या है तुम्हारी? नहीं वो सुबह सोते हैं ना इसीलिए। कब तक आप यहाँ रहेंगे बाबू जी? बस ऐसे ही तुमको लेने आए हैं। वहां सरपंच हमारे पीछे पड़ा है और एक तुम ना लायक आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई इज्जत ही नहीं अम्मा बाबूजी की बातों का। बाबूजी हम नहीं चलेंगे गांव, लगड़ी से नहीं शादी करना हमको। कहे नहीं चलोगे? शहर में रह के दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। फिर हुआ शुरू सिलसिला बाबूजी और साधु की लड़ाई का। खोटी बातें सुनाई, झापड़ से मारा और फिर साधु भागे। पर कब तक भागते? बाबूजी ने मरने का ऐसा नाटक किया कि साधु के एक तरफा प्यार को झुकना पड़ा। ये तूने ठीक नहीं किया साधु। परसों तेरी शादी है और तू यहाँ वापस आ गया? क्या बीत रहे होगे वहाँ गांव पे? बस यार मन नहीं लगा वहाँ, भाग आए हम। मन नहीं लगा? मन से हर चीज होती है क्या? तेरा दिमाग सच में घूम गया है साधु। जहाँ से तू आया है याद रख उसे, वहीं जाना है वापस। ये चमक धमक बड़ा शहर सब यहीं रह जाएगा। अब तू भाषा न दे, हम अपना भला समझते हैं। तू खो गया है साधु। सच में खो गया था साधु, शायद किसी और दुनिया में। गांव से कई बार फोन आए, उसकी शादी की तैयारियां, अम्मा बाबूजी के अरमान, उनका बरसों का विश्वास, सब बड़े शहर की चमक में खो गया। पर साधु साधु वो किसी और की ही तलाश थी। Thank you.